बहुत ही सुंदर विषय है ये कर्मों की दस अवस्थाएं। मूल ये विषय जैन धर्म पर आधारित है। कर्म किसे कहा जाता है? कर्म पौद्गलिक होते हैं, कर्म एक मैटर होता है। ये सारी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी जो परमाणु होते हैं, जो चतुस्पर्शी होते हैं, उसके अंदर क्या है कि वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, लेकिन स्पर्श से वो चार ही होते हैं और अष्ट स्पर्शी के अंदर स्पर्श आठ होते हैं। वो होता है कि मृदु, हल्का, भारी और शीत, उष्ण, कर्कश, इस तरह आठ तरह के स्पर्श वाला स्थूल बन जाता है। और चतुस्पर्शी होता है जिसके अंदर कि जो चार ही तरह के परमाणु होते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष चार तरह के जो परमाणु होते हैं वो चतुस्पर्शी होता है। चतुस्पर्शी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अष्ट स्पर्शी जो परमाणु पुद्गल आंखों से दिखाई देता है, जिसे मकान बने हैं, चट्टाने बनी हैं, जो है हमारे हेलीकॉप्टर बने हैं, ट्रेन बनी है, घर बने हैं, मकान बने हैं, सड़कें बनी हैं, ये सब अष्ट स्पर्शी है। सारी दुनिया के अंदर जितना पुद्गल दिखाई देता है, मैटर दिखाई देता है, सब अष्ट स्पर्शी है। और चतुस्पर्शी को विज्ञान मास लेस पार्टिकल कहता है, यानी कि वह जो ऐसा पुद्गल है वो एक ऐसा अचेतन तत्व है, वो ऐसा मैटर है जिसके अंदर कोई भार नहीं होता है और आंखों से दिखाई नहीं देता है। विज्ञान के किसी यंत्र की परिधि में चतुस्पर्शी पुद्गल नहीं आते हैं। तो मूल ये कर्म जो है वो चतुस्पर्शी होते हैं। और कर्मों का बंधन कैसे होता है कि हमारी जो सोल है वो सोल के साथ के अंदर जो आत्मा के साथ में कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, वो राग द्वेष है, वो कषाय है, वो क्रोध है, वो अहंकार है और माया है, वो लोभ है, वही इस चतुस्पर्शी के माध्यम से बाहर से आकर्षित होता है। क्योंकि हर क्षण हर प्राणी जिसके पास में मन है, वचन है, काया है, वह प्रवृत्ति करता रहता है। और प्राणियों के अंदर भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय होते हैं, एक इंद्रिय के अंदर एक ही इंद्रिय होती है, वो स्पर्श होता है। तो वो जो है वो इतना जो है कर्मों का बंधन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास के अंदर डेवलप्ड जो है वो मन, वचन, काया डेवलप्ड होने जरूरी है। तो ये मन, वचन, काया को योग कहा जाता है। योग बाहर से चतुस्पर्शी परमाणुओं को खींचते हैं, और वो खींचे क्यों जाते हैं कि भीतर जो कषाय है, भीतर जो राग द्वेष है, वो खिंचवाता है, और खींच करके और पांच इंद्रियों का यही काम है कि उसको कषाय को भीतर कार्मण शरीर को सौंप देता है और उसमें इकट्ठा होता रहता है। और उसके अंदर अब कर्मों की दस स्थितियां आती है, वो कब जाकर के वापस उदय में आता है, उसको समझने के लिए कर्मों की दस अवस्थाएं बताई गई है कि व्हाट आर दी, देयर आर दी टेन स्टेजेस, देयर आर दी टेन स्टेजेस ऑफ दी कर्मा, फ्रॉम वेयर दीज कर्माज आर बॉन्डेड, दीज आर डिटेच्ड एंड दीज आर एंजॉयड आल्सो। ये कर्मों का भुगतान होता है और आत्मा से कर्म डिटैच होते हैं, उसको निर्जरा कहते हैं, और आत्मा के साथ में कर्मों के बंधने को आश्रव और बंध कहा जाता है। ये अलग विषय है। तो कर्मों की दस अवस्थाएं कौन कौन सी है उसको हम हाईलाइट करेंगे। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, उद्वर्तन, अपवर्तन, निदति, निकाचना, संक्रमण, दस तरीके से इनकी अवस्था है। एक एक करके हम अवस्था को लेंगे। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, जब कभी भी हमारा मन, वचन, काया रूपी योग है इन कर्मों को तानता है पूरे ब्रह्मांड से और कषाय भीतर बैठा है उसको सुपर्द करता है, तो चार स्थितियां तुरंत साथ के अंदर बनती है। वो कौन सी है कि मैं उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति ने जो है एक छुरे से किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, और वो मर्डर क्यों करता है कि पूर्व जन्म क्या उसका हिसाब बाकी है,
वरना उसकी कोई ताकत नहीं कि वो मर्डर कर सके। पूर्व जन्म में मरने वाले ने जो है जो मार रहा है अभी उसको मारा था, तो इसीलिए उसका बदला ले रहा है। ये सारा भुगतान यानी बदला है, क्यों? ये प्रकृति का नियम है, डेबिट और क्रेडिट। और जब किसी का मान लीजिए कि छुरे के साथ के अंदर वो उसका मर्डर कर रहा है, तो मर्डर करने से जो चतुस्पर्शी पुतकल खींचे जाते प्रकृति, प्रकृति जो है वो आठ तरह के कर्म होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। तो ये जो आठ तरह के कर्म है ना, आठ में से आयुष्य कर्म जीवन में एक बार बनता है, उसको छोड़ दीजिए। सात तरह के कर्मों का प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग तुरंत एक साथ बनता है। कैसे बनता है मैं बताऊं कि उस व्यक्ति ने जो है उसका मर्डर किया तो इसका अर्थ ये होगा उसको हनन कर दिया, तो हनन करते ही जो है उसको असाता, उसके उसको वेदना पहुंचाई, तो इसके असाता वेदनीय कर्म का जो है बंद हो गया।